नमस्कार। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक लोकप्रियता पाने वाले भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में मनाई गई कृष्ण जन्माष्टमी और इसी को लेकर ट्विटर पर ट्रेंड हुआ हैशटैग ट्रू नॉलेज अबाउट कृष्णा जी और हैशटैग स्टोरी ऑफ श्री कृष्णा। लोगों ने ट्वीट कर 16 कलाओं के स्वामी श्री कृष्ण और असंख्य कलाओं के स्वामी कबीर परमेश्वर के बीच भेद बताया। देखें हमारी पूरी रिपोर्ट। एक तरफ जहां कृष्ण के भक्त व्रत उपवास रखकर अपने इष्ट को प्रसन्न करने के लिए मंदिर आदि में पूजा कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी ट्विटर पर हैशटैग ट्रू नॉलेज अबाउट कृष्ण जी और हैशटैग स्टोरी ऑफ श्री कृष्णा के माध्यम से बता रहे थे कि कबीर बड़े हैं या कृष्ण। लोगों ने ट्वीट्स के माध्यम से बताया कि श्री कृष्ण जी का जन्म अपनी माता देवकी की कोख से हुआ था, जबकि पूर्ण परमात्मा का जन्म कभी माता के गर्भ से नहीं होता। पूर्ण परमात्मा शिशु रूप में कमल के फूल पर प्रकट होते हैं। इतिहास गवाह है कि ऐसी लीला केवल कबीर साहिब जी ने ही की है। पवित्र गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 और 24 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वो ना तो सिद्धि को प्राप्त होता है और ना ही परम गति को। गीता जी में मनमाने आचरण जैसे उपवास आडंबरों को भी व्यर्थ कहा है। केवल शास्त्र अनुकूल साधना ही उत्तम बताई है। गीता ज्ञानदाता ने अध्याय 7 के श्लोक 18 में अपनी भक्ति को भी अनुत्तम बताया है। गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 2 श्लोक 12, अध्याय 4 श्लोक 5, अध्याय 8 श्लोक 16 में अपने आप को नाशवान यानी जन्म मरण के चक्र में सदा रहने वाला बताया है। कहा है कि हे अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। अपने जन्म को गीता ज्ञानदाता ने गीता अध्याय 4 श्लोक 9 एवं अध्याय 10 के श्लोक 2 में अलौकिक बताया है, जो कि सत्य है, लेकिन उसने ये स्पष्ट कर दिया है कि वो स्वयं भी जन्म मरण में है। गीता ज्ञानदाता परमात्मा की भक्ति के विषय में गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जाने को कहता है, जिसकी पहचान गीता अध्याय 15 के श्लोक 1 से 4 में बताई गई है। इससे सिद्ध होता है कि गीता ज्ञानदाता द्वारा बताई गई भक्ति विधि पूर्ण नहीं है। अतः हमें चाहिए कि हम तीनों देवों की भक्ति में न फंसें और पूर्ण तत्वदर्शी संत से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुकूल भक्ति करें। पूर्ण परमात्मा की भक्ति ही मोक्ष दिला सकती है, क्योंकि अन्य सभी जन्म मरण के चक्र में स्वयं ही फंसे हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुण तीनों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार। अब आपको दिखाते हैं श्रीमद् भगवत गीता। ये श्रीमद् भगवत गीता गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, और देखिएगा अध्याय नंबर 16 का और श्लोक नंबर 23। अध्याय नंबर 16 श्लोक नंबर 23, जो पुरुष जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। 24 में क्लियर कर दिया अध्याय नंबर 16 का श्लोक 23। इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है। ऐसे जानकर तू शास्त्र विधि से नियत कर्म ही करने योग्य है। अब परमात्मा ने कहा कि आप श्री सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी की पूजा करते हो। गीता जी में इन तीनों गुणों की, रज गुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी की पूजा करने वालों को मूर्ख कहा है। अब लाला जी था, गीत रखा दिखाऊ देखो। अब परमात्मा ने कहा, डट जा, तेरे तन्न ना देखना हो, मैं दिखाऊंगा। ये देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को आपके रूबरू कराते हैं इस पवित्र सदग्रंथ का। ये देखिएगा अथ सप्तमो अध्याय 7वां अध्याय, इसमें पहले मंत्र में आप देखिएगा, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति एवं बल समग्र यानी पूर्ण रूप से मुझको संशय रहित जानेगा उसको सुने। जो कहता है बताऊंगा, ऐसा ज्ञान दे दूंगा तने, फिर और ज्ञान की आवश्यकता नहीं।
सातवें का दूसरे में, मैं तेरे लिए इस विज्ञान सही तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा, जिसको ये तत्व ज्ञान नहीं ज्ञान को, इस ज्ञान को संपूर्णतया कहूंगा जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। अब पुण्यात्मा देखिएगा अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 12। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजगुण से, सतगुण विष्णु जी, रजगुण ब्रह्मा जी से और तमगुण शिव जी से उत्पन्न होने वाले भाव है, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं। अब ये क्लियर करना पड़ेगा, रजगुण ब्रह्मा जी है और सतगुण विष्णु जी और तमगुण शिव जी। तो वही गीता जी बता रही है कि त्रिगुणमयी माया के द्वारा यानी रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी से मिलने वाले इस अस्थाई लाभ सिद्धि सिद्धियों में ये अपना जीवन विनाश करने वाले राक्षस स्वभाव को धारण करने किए हुए मनुष्यों में नीच और दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी ना करते। यदि आप भगवान श्री कृष्ण जी से कोई लाभ प्राप्त करना भी चाहते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करें। पूरे विश्व में सतभक्ति मंत्र केवल संत रामपाल जी महाराज जी के पास ही है। आज की हमारी पेशकश में बस इतना ही। धन्यवाद।